Hello, students. So, today let us continue with medieval India. In the last class, we learned about the term medieval, that is something in between. Then, we also learned about the uh, period that it was from 8th century to 18th century. Then, we learned about early medieval and late medieval. Early medieval is from 8th century to 13th century, and late medieval is from 13th to 18th century. Then we studied about India and its different names: Bharat, Varsha, Bharat, Sapta, Sindhu, then Persian language. Uh, in, in French it is known as Indi. in English it is known as India. Then we came to uh, learned about how Hindustan uh, was named. Now today, let us continue with importance of medieval history. The medieval period in Indian history witnessed some important developments. The later medieval period saw the rule of Muslim dynasties. This resulted in some cultural and uh, cultural influences and exchanges. Interaction between North and South India also increased. This gave rise to culture that was truly Indian. It was beyond regional and caste barriers. First importance is later medieval that Muslim dynasties' aake rule started generally. Uh, हिंदूज़ या आर्या आर्याज रूल करते थे जब मुस्लिम डायनेस्टी आई तो कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ा और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी बढ़ा कल्चरल एक्सचेंज जो नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में डिफरेंस था वो भी कम हुआ और उन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन बढ़ा और इसके वजह से एक कल्चर आया जिसको हम ट्रूली इंडियन कल्चर बोल सकते थे जिसमें ना कोई रीजनल या कास्ट बेरियर था द मुस्लिम रूलर्स प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर मैनी सेंचुरीज As a result, there was an increase in trade and commerce. Common people were happy as they were uh, well looked after. The Mughal Empire saw an all-round development and consolidation. Towns and cities also developed. Muslim rulers made political stability. They were very political stable. They were uh, capable of ruling. इसके वजह से क्या हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स भी इनक्रू इंक्रीज़ इन, हुआ तो कॉमन लोगों को भी लगने लगा कि अच्छा उनका भी ध्यान रखा जाता है जिसके वजह से मुगल एम्पायर का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ एंड टाउन्स एंड सिटीज भी डेवलप होना स्टार्ट हो गए ओवरसीज ट्रेड फ्लरिश्ड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वॉज गिवन इम्पेटेड एज द ट्रेड एंड बिजनेस विद अदर कंट्रीज एज वेल दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन कल्चरल एंड रिलीजियस इंफ्लुंसेज ओवरसीज ट्रेड भी उन लोगों के बीच में बढ़ने लगा और ये ट्रेड कैसा था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से बाहर सेल करते थे बाहर से यहाँ परचेज करते थे और जिसके वजह से कल्चरल और रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस और बढ़ने लगे बिटवीन कंट्रीज आल्सो स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड द भक्ति एंड सूफी मोमेंट्स द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ द मेडिवल पीरियड दीज मूवमेंट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड यूनिवर्सल एडल्ट इस्लाम स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था तो भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हुई भक्ति मोमेंट सेवन सेंचुरी से फोर्टीन सेंचुरी से स्टार्ट हो गई सूफी मूवमेंट्स सेवन सेंचुरी से स्टार्ट हो गई और ये सारे मेडिवल पीरियड में इवेंट्स होने लगे भक्ति मोमेंट मतलब गॉड्स में आइडल्स में और मानना स्टार्ट हो गया था सूफी मोमेंट वी ऑल नो सूफी थिंग्स तो वो प्रॉफिट्स उनके आते थे और यहाँ पर उनका एक्सपांड करते थे और ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, या। आर्ट एंड आर्किटेक्चर शोड स्पलेंडर लाइक नेवर बिफोर मुगल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस डोम्स मेनारेट्स एंड द यूज ऑफ रेड स्टोन एंड मार्बे The rulers during the different phase of medieval period were, given, were great patrons of literature. Foreign travelers visited the courts of mighty Indian kings and wrote about their reigns. As a result, there is no dearth of sources for medieval history. Art and architecture, ekdam splendor, uh, again, well developed when hua hi nahi tha. मुगल आर्किटेक्चर आया उन्होंने इन डोम्स मिनारेट्स कार्विंग्स और सब यूज़ कर, करना स्टार्ट किया दे ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग रेड स्टोन रेड सैन स्टोन एंड मार्बल इवन इनके टाइम पे फॉरेन ट्रेवलर्स ने विज़िट किया वो कोर्ट्स में आते थे किंग्स के बारे में लिखते थे और उनकी रेन मतलब वो कैसे रूल करते थे सब कुछ लिखते थे एज अ रिजल्ट देर इज़ नो डेथ ऑफ सोर्सेज फॉर मेडिवल हिस्ट्रीज वजह से कोई कमी नहीं है मेडिवल्स टाइम पे जो भी जितने भी सोर्सेज है उसकी कोई कमी नहीं है सोर्सेस देर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ मेडिवियल हिस्ट्री आर्कोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स इफ़ वी टॉक अबाउट लिट्रेरी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स लिटरेरी लिटरेट लिखा हुआ तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स था जो बताता था कि लोगों की लाइफ कैसे थी वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मिलिट्री को कैसे एक्सप्लॉयट किया जाता था बाय डिफरेंट रूलर्स

एंशियंट पीरियड से कंपेरिजन में हमारे पास मेडिवियल पीरियड के इंफॉर्मेशन ज़्यादा है और उसके कुछ कुछ रीजनस भी है हिस्टोरियंस एंड दर सोर्स द मेडिवियल पीरियड सॉ एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेपर विच वॉज चीप एंड वाइडली यूज टू राइट एक्सटेंसिव अकाउंट रिलेटेड टू रिलीजन रूल ऑफ डिफरेंट किंग्स कल्चर ट्रेडिशंस सोसाइटी एंड लाइफ ऑफ द पीपल जुडिशियल सिस्टम एंड टेक्सन सिस्टम विथ डिटेल डिटेल्ड रिजल्ट डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ वॉर्स एंड पीस सेटलमेंट्स एज अ रिजल्ट मैन स्क्रिप्ट वर प्रिपेयर दैट नाउ प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू रिकन्स्ट्रक्ट एशंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरियन एंड रिशोर्स मेडिवल पीरियड में पेपर का यूज़ एकदम ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज पेपर भी चीप हो गया था एंड उसके वजह से डिफरेंट रिलीजन्स है डिफरेंट किंग्स है कल्चर्स है ट्रेडिशन है सोसाइटी है लोग कैसे रहते थे उनकी जुडिशियल सिस्टम कैसी थी उनकी टैक्सेशन सिस्टम कैसी थी डिटेल में उनकी सारे वॉर्स वॉर्सों ने जितनी भी फाइट की हुई है सब के बारे में हमें लिखा हुआ मिलता है मैन्यू बनाई जाती थी मेन्यू स्क्रिप्टर हैंडमेड खुद से जो पूरे लिखे जाते थे नाउ प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू रिकन्स्ट्रक्ट एनशेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री उसके वजह से हम लोग एंशंट हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं ये तो हमने देखा लिटरेरी सोर्सिस नाउ सच एज मॉन्यूमेंट्स लाइक मॉस्क टेम्पल टोम्स फोर्ट्स आर्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस टूल्स यूटेंसिल्स ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेल्स ऑफ दिस पीरियड आर अवेलेबल टू अस दे गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ द पीरियड टू विच दे बिलोंग आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब आर्किटेक्चर से रिलेटेड जैसे मोन्यूमेंट्स है मॉस्क है टेम्पल है टूम्ब है फोर्ट है उनके जो आर्ट ऑब्जेक्ट्स थे लाइक like, पेंटिंग्स uh, है उनके स्कल्पचर्स हैं इंस्क्रिप्शन आर जो वो लोग स्टोन्स पे लिखते थे उनके कॉइन्स यूटेंसिल्स टूल्स ऑर्नामेंट्स ये सब हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसके वजह से हमें किंग और उसके टाइम पे जो जो उन्होंने किया हुआ था उनके बारे में पता चलता है इफ़ वी टॉक ओके दैट इज़ वंडरफुल टू नो एपिग्राफी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफ्स एपिग्राफी जो साइंस या इंस्क्रिप्शन यापिग्राफ को पढ़ने के लिए उसको हम एपिग्राफी कहते हैं और जो ये पर्सन स्टडी करता है उसको हम एपिग्राफिस्ट कहते हैं नाव इंस्क्रिप्शन क्या होता है जो स्टोन पे वो लोग लिखते थे उस टाइम पे उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स में फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे मॉन्यूमेंट्स ओल्ड टेम्पल्स मॉस्क पैलेस पोर्ट्स टोम्ब स्टोन्स एंड क्लॉक टावर्स आर कॉल्ड मोन्यूमेंट्स जो पुराने टेम्पल्स मॉस्क पैलेस फोर्ट टोम्ब टुम्ब स्टोन्स जो मतलब टोम्ब होती है उन पर वो लोग काविंग uh, और सब करते हैं क्लॉक टावर्स है, है उन सबको हम मोन्यूमेंट कह सकते हैं ताजमहल एंड फतेहपुर सिकरी इन आगरा रेड फोर्ट इन डेली एंड बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावूर आर सम एग्जाम्पल्स ये उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए प्लीज़ रिम्बर दिस monuments showcase the style of architecture that highlights the religious or foreign influences use of basic building materials like stones burnt bricks etc show the advancement and research to ensure strength and quality carvings and sculptures showcase creative skills of artisans as well as customs food habits dresses and jewelries and various hairstyles of the period मोन्यूमेंट्स से क्या पता चलता है आर्किटेक्चर के बारे में जैसे रिलीजन कौन सा था कौन कौन फॉरेन इन्फ्लुएंसेस आए तो फॉरेन से वो लोग आते तो उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बिल्ड Build, बिल्डिंग बनाने में कौन से बेसिक मटेरियल्स को यूज़ करते थे जैसे कि स्टोन कौन सा था बर्न ब्रिक कौन से थे और जिसके वजह से हमें एडवांसमेंट भी पता चलता है और रिसर्च भी पता चलता है हम रिसर्च कर सकते थे कि उसकी क्वालिटी क्या थी उसकी स्ट्रेंथ क्या थी फिर यही सब स्टोन्स बर्न ब्रिक्स पे वो लोग कार्विंग्स करते थे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बनाते थे तो हमें आर्टिजेंस के क्रिएटिव स्किल्स बनाते थे उनके बताती थी उनके कस्टम्स के बारे में बताते थे अभी वो कार्विंग्स में क्या या तो ह्यूमन फिगर्स ड्रा करते थे लाइफ स्टाइल ड्रा करते थे तो जिसके वजह से हमें उस टाइम पर लोगों की जो फूड हैबिट्स हुआ करती थी जो उनके ड्रेसेस हुआ करते थे ज्वेलरी हुआ करती थी या उन जो जैसे हेयर स्टाइल रखते थे उन सब के बारे में पता चलता है on the whole monument uh, depict the vision and interests of the ruler towards enriching the culture and talent and also demonstrate the strengths of a particular phase in the history पूरे monument पे उनका जो इंटरेस्ट था या उनके जो पीछे एम थे वो बनाने के पीछे रूलर का वो उस कल्चर में दिखाया जाता था एंड वो बहुत टैलेंटेड लोग बनाते थे दट पीपल वेरी क्रिएटिव और जो उस टाइम का किंग था उसकी स्ट्रेंथ और सब कुछ उसमें दिखाया जाता था वी स्टडीज अबाउट मॉन्यूमेंट्स नाउ नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिकॉर्ड्स ऑफ रॉयल प्रोक्लेमेशम्पल एंड गिफ्ट्स गिफ्ट्स ऑफ टू एंड विलेजेस वी फाइंड अ नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस फॉर दिस पीरियड दे आर फाउंडेड ऑन द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट ताजमहल फतेहपुर सिकरी एंड द पैलेस ऑफ वॉल्स ऑफ पैलेस वॉल्स ऑफ रजपूत इंस्क्रिप्शंस क्या होता है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होती है या तो रॉयल प्रोक्लेमेशन रॉयल जो ऑर्डर्स होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है उनके गिफ्ट्स होते हैं जो वो टेंपल्स और विलेजेस में देते हैं तो वो जब लिखते हैं वो इंस्क्रिप्शंस होता है हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं फ्राम वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट ताजमहल फ़तेहपुर सिकरी एंड इवन ऑन द पैलेस वॉल्स ऑफ रजपूत The inscription on the walls of monuments or pillars give an insight into the ruler of a particular dynasty. Inscriptions supporting wars or victories showcase military interests and achievements. Social or spiritual messages on pillars show the social or religious interests of the rulers and also give a detailed picture of the life of people, trade, commerce, administration and military exploits. सम इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ़ वेरियस रूलर ऑफ डायनेस्टी विच इज़ वेल्यूएबल सोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डायनेस्टी कुछ इंस्क्रिप्शन होते हैं जो रिलीजियस डायनेस्टीज के बारे में बताते हैं वो हमें वो रूलर के पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में बताते हैं वो कैसे रूल करते थे उन्होंने कौनसे कौन से वॉर्स जीत लड़े हैं कौन से उसमें विक्ट्रीज है क्या क्या मिलिट्री इंटरेस्ट है इवन सोशल और स्पिरिचुअल मैसेज भी वो लोग स्प्रेड करते थे इफ़ यू हैव नोन अबाउट अशोक जिसने धमा का पाथ फॉलो किया था उसने भी इंस्क्रिप्शन से ही ये सबको मैसेज दिया होता कि वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ पीस तो ऐसे सोशल और स्पिरिचुअल मैसेजेस भी होते हैं जहाँ से हमें सोशल और रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल के बारे में पता चलता है उनका ट्रेड कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री एक्सप्लॉयज़ सब कुछ हमें इंस्क्रिप्शन में से आइडिया मिलता है और काफ़ी बार ये इंस्क्रिप्शन तो लिस्ट भी प्रोवाइड करती है उनके पूरे डायनेस्टी की कि किसने पहले रूल किया उसके बाद कौन आया उसके बाद कौन आया Like that. Next is coins. Coins help us to identify the name and ruling periods of kings. Coins also help us in knowing the extents of the empires and the presence of coins in foreign lands indicates trade with them. Coins se pata chalta hai kyunki har ek king क्या करता था अपन coin पे वो अपनी photo print, uh, stamp करवाता था तो हमें उसका king कौन था वो uh, कब से कब तक rule किया था वो सब पता चलता है फिर ऑल्सो uh, अगर दूसरे कंट्रीज में हमारे कॉइन्स पाए जाते थे तो हमें ये पता चलता था कि ओके okay, वो लोग हमारे साथ ट्रेड करते थे वंडरफुल टू नो न्यूमिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइंस द पर्सन हु स्टडीज दिस हुइंस इज नोन इज कॉल्ड कॉलिसमेटिस्ट न्यूमिस्टिक क्या होता है एक साइंस है जो uh, सिस्टमेटिक कलेक्शन करता है कॉइन्स का एंड उनको स्टडी करता है और जो ये पर्सन होता है जो कॉइन्स का स्टडी करता है उसको हम न्यूमिसमेटिस्ट कहते हैं सो विल स्टार्ट विद लिटरेरी सोर्सेस इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू